Hello everyone, this is Atiya Zainab and today I'm going to explain The Happy Prince by Oscar Wilde. और इस चैप्टर को मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ संगीता सिंह के कहने पर. अगर आपको भी कोई पोएम एक्सप्लेनेशन, चैप्टर एक्सप्लेनेशन या फिर इंग्लिश लैंग्वेज का कोई भी टॉपिक अनक्लियर है, कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे ज़रूर बताइए. नाउ विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड. द हैप्पी प्रिंस की जो स्टोरी है वो एक एलेगरी है. एलेगरी क्या होती है? एलेगरी कहते हैं कि एक ऐसी स्टोरी जिसमें राइटर का मेन मकसद होता है एक मॉरल मैसेज को डिलीवर करना. अपनी कहानी के कैरेक्टर्स के ज़रिए वो एक मैसेज पहुंचाना चाहता है रीडर्स के. वही मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने इस स्टोरी में किया है. बचपन में आपने एक कहानी पढ़ी होगी, द हेयर एंड द टॉर्टोइस. कहानी कुछ खास नहीं होती है, दोनों रेस करते हैं, रेस में एक पीछे रह जाता है, आराम करता है और आखिर में कछुआ जीत जाता है. तो कहानी कुछ खास है क्या? कहानी कुछ खास नहीं है, मैसेज कहानी का खास था, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस. इसी तरीके से ये जो स्टोरी है द हैप्पी प्रिंस, इसमें भी कहानी कुछ खास नहीं है बल्कि मैसेज खास है. सो लेट्स अंडरस्टैंड द हैप्पी प्रिंस. प्रिंस यहाँ जिसको बोला जा रहा है वो एक स्टैचू है. एक्चुअली कोई जीता जागता इंसान नहीं है, इंसान की कहानी नहीं है. द हैप्पी प्रिंस जो बोला जा रहा है एक स्टैचू को बोला जा रहा है. एक्चुअली एक प्रिंस जब वो जिंदा था तब बहुत ज़्यादा वो खुश रहता था क्योंकि वो प्रिंस था, राजकुमार था, महल में रहता था. उसने कभी भी दुख नहीं देखा था, उसको पता ही नहीं था कि सफरिंग्स क्या होती है, मिजरी क्या होती है, कष्ट क्या होते हैं. इस वजह से वो हमेशा खुश रहता था. इसलिए जब उसकी डेथ हुई, उस हैप्पी प्रिंस की जब डेथ हुई तो लोगों ने सोचा कि ये एक ऐसा बच्चा था, ये एक ऐसा प्रिंस था जो हमेशा खुश रहता था, इसका स्टैचू हमारे सिटी में लगना चाहिए. तो इतनी ऊंचाई पर उसके स्टैचू को लगा दिया गया और क्योंकि वो हमेशा खुश रहता था इस वजह से उसको पूरे गोल्ड से कवर कर दिया गया. और सिर्फ सोने से इसको कवर ही नहीं किया गया बल्कि उसको जो तलवार पकड़ाई गई थी प्रिंस को स्टैचू में, उस तलवार में एक खास प्रीशियस स्टोन रूबी भी फिट किया गया. और तलवार में रूबी फिट करने के बाद उसकी आंखों में सेफायर्स, जिसको नीलम कहते हैं, ब्लू कलर का प्रीशियस स्टोन होता है, वो लगाए गए. और उसका जो हर्ट था, दिल था, वो लेड से बनाया गया था. लेड इज सॉर्ट ऑफ मेटल जो कि पिघलती नहीं है, मेल्ट नहीं होती है. तो ये जो स्टैचू मैंने डिस्क्राइब किया, इसी स्टैचू की पूरी कहानी है. ये स्टैचू बात करेगा, बोलेगा, रोएगा, डायलॉग्स हैं इसके. अब आप सोचोगे कि ये स्टैचू भी कहीं बात करता है, तो यही तो इमेजिनेशन है मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड का एक मैसेज को पहुंचाने के लिए. तो भाई ये स्टैचू को माउंट किया गया था एक ऐसी जगह जहां से इस स्टैचू को पूरा सिटी दिखता था, इतनी ऊँचाई पर इस स्टैचू को माउंट किया गया था. तो एक दिन क्या हुआ, उस जगह से जहाँ ये स्टैचू माउंटेड था वहाँ से एक चिड़िया का गुजर हुआ, सोलो चिड़िया. ओके, इसको पढ़ते हैं सोलो. सोलो चिड़िया का गुजर हुआ. चिड़िया को जाना था इजिप्ट. उसने सोचा थोड़ा यहाँ आराम कर लेते हैं फिर वहाँ चले जाएंगे इजिप्ट. तो आराम के चक्कर में ये ढूंढती है जगह कि मुझे कोई खास अच्छी जगह मिल जाए जहाँ मैं खुद को सेटल कर पाऊँ. तो उसको समझ आता है यही स्टैचू. ओके, उसको लगता है कि इस स्टैचू में जो इसके पैर के पास जगह है, यानी जो स्टैचू का जो पेडेस्टल है जिस पर स्टैचू फिक्स होता है, ओके, वहाँ पर ये अपना जगह बनाती है और लेट जाती है, सोने की तैयारी कर लेती है. इसको एकदम से फील होता है कि कहीं से पानी गिर रहा है. इधर उधर देखने के बाद ये नोटिस करती है कि ये पानी कहीं आसमान से तो नहीं गिर रहा है बल्कि ये हैप्पी प्रिंस जो कि देखने में तो हंस रहा है लेकिन इसके आंसू निकल रहे हैं. सोलो उससे पूछती है कि तुम कौन हो. वो जवाब देता है हैप्पी प्रिंस से, पूछती है कि तुम अगर हैप्पी प्रिंस हो तो तुम रो क्यों रहे हो. प्रिंस जवाब देता है कि मैं हैप्पी तब तक था जब मैं जिंदा था. जब मैं जिंदा था तो मैं अपने महल में रहा करता था, मुझे नहीं पता था कि दुनिया में कष्ट क्या होते हैं, दुख क्या होता है. मरने के बाद मुझे यह माउंट कर दिया गया. अब मैं यहाँ पे पूरी सिटी की कंडीशंस को देखता हूँ और अब मुझे गरीबों की हालत दिखती है तो मुझे बहुत रोना आता है उनकी हालत पर. प्रिंस सोलो को आगे बताता है कि यहाँ से दूर एक गली में एक पुअर हाउस है जहाँ पे एक सीम स्ट्रेस रहती है. सीम स्ट्रेस कहते हैं सिलाई करने वाली को. वो सीम स्ट्रेस बहुत गरीब है और एक गाउन पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है, फ्लावर्स लगा रही है. और ये गाउन किसका है? क्वीन के मेड ऑफ ऑनर का है, क्वीन के अटेंडेंट का है, क्वीन की सर्वेंट का है. एक्चुअली अगले दिन क्वीन को एक बॉल में जाना है. बॉल यहाँ पे पार्टी को कह रहे हैं. एक पार्टी में जाना है तो ऑब्वियसली क्वीन जब जाएगी तो उसकी अटेंडेंट, उसकी नौकरानी भी जाएगी साथ में. तो वो जो नौकरानी है उसने अपना ड्रेस दे रखा है इस गरीब सीमस्ट्रेस को बनाने के लिए. ये जो गरीब सीमस्ट्रेस है इसका एक छोटा सा बेटा है जो कि बेड पर पड़ा हुआ है और वो बहुत बीमार है. उसको ऑरेंजेस खाने का मन कर रहा है लेकिन इसकी माँ के पास इसको देने के लिए कुछ भी नहीं है घर में सिवाय पानी के.
तो हैप्पी प्रिंस सोलो को ये रिक्वेस्ट करता है कि मेरे तलवार में एक रूबी लगा हुआ है जो कि बहुत प्रीशियस है, तुम जाकर इस सीम स्ट्रेस को दे दो ताकि वो अपने बच्चे की बीमारी को दूर कर सके। तो सोलो ऐसे ही करती है, उस हैप्पी प्रिंस की तलवार में जो रूबी लगा था वो ले जाके दे देती है सीम स्ट्रेस को। और कहाँ पे जाके रखती है, सीम स्ट्रेस का एक थिम्बल रखा हुआ था, थिम्बल मतलब एक रिंग जो कि सीम स्ट्रेस लोग पहनती हैं ताकि उनको सुई ना चुभे उंगली में, तो उस थिम्बल के बगल में रख के चली आती है। और वाकई उसका जो बेटा होता है यानी कि सीम स्ट्रेस का बच्चा, वो बीमारी से ठीक हो जाता है। यानी इस तरीके से हैप्पी प्रिंस उस सीम स्ट्रेस की मदद कर देता है। नेक्स्ट डे हैप्पी प्रिंस सोलो को एक और चीज़ बताता है, वो कहता है कि शहर के कुछ दूर एक और यंग प्ले राइट रहता है जो कि बहुत गरीब है। प्ले राइट कहते हैं प्ले लिखने वाले को। ये जो गरीब प्ले राइट है ये एक मकान के सबसे ऊपरी कमरे में रहता है जिसे गैरेट बोलते हैं। ये प्ले राइट एक प्ले लिख रहा है इस सिटी के डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए, लेकिन ये प्ले कंप्लीट नहीं कर पा रहा है क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है और इसके ग्रेट में, ग्रेट कहते हैं अंगीठी को, उसमें आग ख़त्म हो चुकी है और इसके पास कुछ खाने को भी नहीं है। हैप्पी प्रिंस रिक्वेस्ट करता है सोलो को कि मेरी एक आँख में सैफायर लगा है, नीलम लगा हुआ है, तुम इसको ले जाकर उस प्ले राइट को दे दो ताकि वो अपना प्ले भी कंप्लीट कर सके और अपनी भूख को मिटा सके। सोलो प्रिंस के कहने पर उसकी आंख से सैफायर निकालती है और प्ले राइट के पास जाती है। प्ले राइट के बगल में कुछ वायलेट्स रखे थे। वायलेट्स कहते हैं एक तरीके का पौधा होता है जिसमें पर्पल कलर के फ्लावर्स होते हैं और बहुत अच्छा महकता है, लेकिन वो विदर्ड हो चुके थे, मुरझा चुके थे। उसी वायलेट्स के पास वो ले जाकर उस सैफायर को रख देती है और जब उस प्ले राइट को वो सैफायर दिखता है तो वो अपने प्ले को कंप्लीट करता है और अपनी भूख भी मिटाता है। इस तरीके से हैप्पी प्रिंस इस प्ले राइट की भी मदद करता है। इसके बाद हैप्पी प्रिंस सोलो से बोलता है कि एक पास में छोटी सी लड़की रहती है, वो लड़की माचिस बेचती है, लेकिन आज उसकी जो माचिसें हैं, जो मैच स्टिक्स हैं, वो गटर में गिर गई हैं। गटर में गिरने की वजह से आज वो कुछ कमा नहीं पाएगी और खाली हाथ उसको अपने घर लौटना पड़ेगा, और अगर वो घर खाली हाथ जाएगी तो उसके फादर उसको बहुत मारेंगे। वो बच्ची अपने फादर से मार ना खाने पाए तो तुम ऐसा करो, मेरी दूसरी आँख का जो सैफायर है, नीलम है, उस छोटी सी लड़की को ले जाके दे दो जिसकी वजह से वो मार ना खाने पाए। सोलो ऐसे ही करती है, दूसरी आँख का जो सैफायर था, नीलम था, वो अपने चोंच में रख कर ले जाती है और उस छोटी सी लड़की के पाम में रख देती है, यानी उसकी हथेली पे डाल देती है। वो मैच गर्ल उस नीलम को देखकर बहुत खुश होती है और इस तरीके से अपने फादर से मार खाने से बच जाती है। यानी हैप्पी प्रिंस ने इस मैच गर्ल की भी मदद कर दी। मैंने यहाँ पर एक चीज़ मेंशन नहीं करी, वो ये कि सोलो चिड़िया इतनी आसानी से हैप्पी प्रिंस के कहने पर सबकी मदद को नहीं जाती है, बल्कि हर एक की स्टोरी बताने से पहले, हर एक की मतलब पुअर सी मिस्ट्रेस की, लिटिल मैच गर्ल की और यंग प्ले राइट की, ये तीन कहानियाँ जब अलग अलग हैप्पी प्रिंस ने इस सोलो चिड़िया को बताई थी, तो सोलो चिड़िया ने पहले यही बोला था कि मुझे इजिप्ट जाना है, मैं तो यहाँ सिर्फ थोड़ी देर के लिए आई थी, शेल्टर लेने के लिए आई थी। लेकिन हैप्पी प्रिंस कन्विंस करता है, रिक्वेस्ट करता है बार बार कि तुम एक रात मेरे साथ यहाँ रुक जाओ और सुबह ऐसी सी बात है, इनकी मदद कर दो जाकर मेरे के आने पर। तो बहुत ही मुश्किल से कन्विंस करता है हैप्पी प्रिंस, और सोलो चिड़िया उसके इतने अच्छे नेचर पर, उसके हेल्पफुल नेचर पर रुकने को तैयार हो जाती है। लेकिन जब इन तीन अलग अलग लोगों की मदद कर देती है तो अब हैप्पी प्रिंस खुद ही बोलता है सोलो से कि अब तुम जा सकती हो, तुमने मेरी इतनी मदद करी मेरे कहने पर, तुम अलग अलग तीन लोगों के पास गई मेरे कहने पर, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, अब तुम आराम से इजिप्ट जा सकती हो। लेकिन कहाँ, पहले तो सोलो चिड़िया बार बार ये बोल रही थी कि नहीं मुझे जाना है, मुझे जाना है, तो हैप्पी प्रिंस रोक रहा था। लेकिन जब अब हैप्पी प्रिंस बोल रहा है जाने को कि तुम चली जाओ इजिप्ट, तो अब सोलो का दिल नहीं हो रहा है जाने का। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सोलो अब प्यार करने लगी है इस हैप्पी प्रिंस को, उसको मोहब्बत हो गई है हैप्पी प्रिंस से। और सोलो को ये दिख रहा था कि हैप्पी प्रिंस की अब आंखें नहीं है, वो ब्लाइंड हो चुका, तो ये बेचारा कैसे अब सिटी के कंडीशंस को देखेगा, तो क्यों ना मैं इसके साथ रुकूं। तो ये रुकने को तैयार हो जाती है और अगले दिन दोनों आपस में बातें करते हैं। सोलो हैप्पी प्रिंस को अलग अलग लैंड्स की स्टोरीज बताती है, जो चीज़ें उसने देख रखी थी वो सब बताती है। तो हैप्पी प्रिंस उससे बोलता है कि तुम ये सब जो मुझे बता रही हो, मार्वलस चीज़, अलग अलग चीज़ें, ये हमारे यहाँ की चीज़ों से कितनी अलग है। हमारे यहाँ तो सिर्फ सफरिंग्स हैं, और मुझे कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इतना ग्रेट नहीं लगता जितना कि मिजरी, यानी जितना दुख दर्द एक मिस्ट्री है, इससे बड़ी मिस्ट्री क्या हो सकती है। तो तुम ऐसा करो, मेरे सिटी पर उड़ो पूरी और मुझे बताओ यहाँ की कंडीशंस क्या हैं। अगले दिन सोलो पूरे शहर का जायज़ा लेती है और वापस आके हैप्पी प्रिंस को बताती है
कि अमीर लोग तो अपने घर में बहुत अच्छे सुख शांति से रह रहे हैं, सर्दियां आ पहुंची हैं तो वो बहुत अच्छे से अपने घरों में रह रहे हैं, लेकिन कुछ भिखारी उनके दरवाजों पर बैठे हुए हैं, कुछ बच्चे हैं जो भूख से बेहाल होकर इधर उधर घूम रहे हैं। इसके अलावा मैंने दो बच्चों को देखा जिनको बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही थी, लेकिन उनके पास ओढ़ने को कुछ नहीं था, तो एक दूसरे को हक करे हुए लेटे हुए थे ताकि एक दूसरे को सर्दी से प्रोटेक्ट कर पाएं। तो एक वॉचमैन ने उनको वहां से भगा दिया कि तुम लोग यहां नहीं लेटोगे, जाओ यहां से। ये सुनकर हैप्पी प्रिंस को बहुत ज़्यादा दुख हुआ और उसने सोलो से बोला कि मेरी बॉडी पे जो गोल्ड चढ़ा हुआ है तुम इसको लीफ टू लीफ यानी एक एक परत इसकी हटाओ और ले जाकर उन गरीब बच्चों को दे दो जो भूख से बेहाल है, उन भिखारियों को दे दो जो बेचारे दरवाजों पर बैठे हुए हैं। तो इस तरीके से स्टैचू हैप्पी प्रिंस के बॉडी पर भी जितना गोल्ड था वो सोलो ने ले जाकर उन सारे गरीबों को दे दिया और अब वो गरीब खुशहाली से रहने लगे। लेकिन जो हैप्पी प्रिंस का स्टैचू था अब अगली लगने लगा था, बहुत ही भद्दा लग रहा था, बहुत ही बुरा लग रहा था, सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी, बर्फ़ गिर रही थी, तो अब सोलो को ये सर्दी बर्दाश्त करना मुश्किल हो रही थी। तभी तो वो इजिप्ट जा रही थी क्योंकि उसका बॉडी इस सर्दी को बर्दाश्त करने के काबिल ही नहीं था। तो बहरहाल जब वो मरने वाली थी तो उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा, मे आई किस यू? ओके, तो इस पर हैप्पी प्रिंस ने बोला, हाँ यू कैन किस मी ऑन माई लिप्स। तो इस तरीके से सोलो ने हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस किया और किस करते ही उसने दम तोड़ दिया हैप्पी प्रिंस के कदमों पर। और जैसे ही सोलो का दम निकला, सोलो की डेथ हुई, वैसे ही हैप्पी प्रिंस का जो दिल था जो कि लेड का बना हुआ था उसमें क्रैक की आवाज़ हुई। यानी सोलो के दम तोड़ने पर हैप्पी प्रिंस का भी दिल टूट गया, दो पार्ट्स में ब्रेक हो गया, यानी हैप्पी प्रिंस की भी डेथ हो गई। नेक्स्ट डे शहर का जो मेयर था वो उस रास्ते से गुजरा, उसने देखा कि ये जो स्टैचू है अब बहुत ही अगली लग रहा है, भद्दा लग रहा है, और उसी के पैर के पास एक चिड़िया भी मरी हुई पड़ी है। तो मरी हुई सोलो चिड़िया को तो इन लोग ने एक जगह फिकवा दिया, और क्योंकि स्टैचू अब किसी काम का नहीं रह गया था, लेकिन उसका हर्ट जिसमें लेड बाकी था तो इन लोगों ने सोचा कि लेड से क्यों ना कुछ काम लिया जाए। लेकिन इन लोगों ने जब देखा कि लेड किसी तरीके से पिघल नहीं रहा है तो इन लोगों ने लेड का जो हर्ट था, जो लेडन हर्ट था, वो भी फिकवा दिया उसी जगह पे जहाँ पे सोलो मरी पड़ी थी। तो दोनों सोलो और लेडन हार्ट एक ही जगह पे फिकवा दिए जाते हैं और यही कहानी का एंड हो जाता है। कहानी के एंड में मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने एक स्पिरिचुअल टच रखा है, वो ये कि गॉड यानी भगवान अपने एंजल से बोलते हैं, अपने फरिश्तों से बोलते हैं कि जाओ इस शहर की सबसे दो अनमोल चीज़ें मेरे पास लेके आओ। वो एंजल इन्हीं दोनों चीज़ों को यानी कि सोलो को और लेडन हॉट को गॉड के पास लेके जाते हैं। गॉड इस एंजल के इन चीज़ों को लाने पर रिवर्ट करते हैं कि तुम वाकई सबसे प्रीशियस चीज़ें मेरे पास लाए हो। ये लिटिल बर्ड मेरे लिए इस गार्डन में, मेरे गार्डन में गाना गाएगी, और ये जो लेडन हर्ट है ये मुझे अप्रिशिएट करेगा, प्रेज करेगा, यानी मेरी तस्बीह करेगा। आफ्टर कवरिंग द समरी लेट्स डिस्कस द मैसेज ऑफ द स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। मैसेज बहुत ही क्लियर है कि हमें सोसाइटी में जो गरीब लोग हैं, जो डाउन ट्रोडन यानी ऑप्रेस्ड एक्सप्लॉइटेड लोग हैं, उनकी मदद करनी चाहिए। सेकेंडली हमें सेंसिटिव होना चाहिए, हमें उनके सफरिंग्स को फील करना आना चाहिए, तभी हम उनकी मदद कर पाएंगे। हैप्पी प्रिंस अगर चाहता तो जितने भी प्रेशर स्टोन्स के बॉडी पे लगे थे वो उसको लगे रहन देता और अपनी ग्लोरी को बरकरार रखता, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। वो सेंसिटिव हो गया, उसने दूसरों के दर्द को देखा, देखने के बाद उसको फील किया। हम क्या करते हैं, हम देखते हैं और आगे बढ़ जाते, अपनी लाइफ में मस्त हो जाते हैं। तो ये मैसेज दिया है ऑस्कर वाइल्ड ने कि जब तक उसको नहीं पता था कि सफरिंग्स होती भी है तब तक वो खुश था, लेकिन जैसे ही उसको सफरिंग्स पता चली तो उसने एफर्ट किया, लोगों की मदद करना स्टार्ट करी। दूसरा मैसेज मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड का ये है कि अगर हम खुश होना चाहते हैं, अपने को खुश रखना चाहते हैं, तो हमें खुशियां बांटनी चाहिए। ये बेवकूफ़ी है कि हम अपने सिटी में एक हैप्पी प्रिंस का स्टैचू रख लें और उस हैप्पी प्रिंस के वजह से हमारे घर में भी खुशियां आए। यानी स्टैचू बनाने से आपके घर में खुशियाँ नहीं आती हैं, या कोई चीज़ रख लेने से आपके पास खुशियाँ नहीं आती हैं, बल्कि खुशियाँ आपको तब मिलेंगी जब आप दूसरों को खुशियाँ बांटना स्टार्ट करोगे। जिस प्रिंस के स्टैचू की वजह से इन लोग सोच रहे थे कि हमारे घर में भी खुशियाँ आएंगी इसलिए इसका स्टैचू यहाँ पे लगा दिया जाए, लेकिन वही प्रिंस जब दूसरों की सफरिंग्स को देखता है उसका खुद का दिल रोने लगता है जो कि लेड का बना हुआ था। लेड का दिल कहीं पिघलता है, नहीं पिघलता है, लेकिन तब भी उसने सफरिंग्स इस कदर सफरिंग्स देखी कि उसका लेड का भी दिल पिघल गया। और तीसरा मैसेज ये हो सकता है कि रिच एंड पुअर के बीच जो डिस्पैरिटी है, डिफरेंस है, इसको अगर आपको कम करना है तो सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर जेनरेसिटी, आपके सेक्रीफाइस से ही इसको कम किया जा सकता है। कोई चमत्कार, कोई मिरेकल नहीं होगा कि गरीबी एकदम से ख़त्म हो जाएगी।
और फोर्थ मैसेज ये दिया है कि अगर आप दूसरों की मदद करते हो तो आप गॉड के सबसे करीबी बनते हो, क्लोजेस्ट बनते हो। जिस तरीके से सोलोबर्ट और वो लैडन हर्ट दोनों ही गॉड के करीब बना। मैसेज को डिस्कस करने के बाद लेट्स डिस्कस टाइटल जस्टिफिकेशन। इस टाइटल के जरिए मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने सोसाइटी पर एक कमेंट किया है, यानी कि तंज किया है। टाइटल है द हैप्पी प्रिंस, यानी खुश राजकुमार। यहाँ पर मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने जो हैप्पी वर्ड यूज किया है वो सिंबॉलिकली कमेंट कर रहे हैं सोसाइटी पर। प्रिंस हैप्पी कब तक था? जब तक उसको सफरिंग्स नहीं पता थी, जब तक उसने लोगों के बारे में जानना स्टार्ट नहीं किया था, राइट? तो इस तरीके से ये जो हैप्पी वर्ड है उन सारे सोसाइटी के लोगों पर कमेंट है, जो बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, उन्हें गरीबों से कोई मतलब नहीं होता, गरीबों की सफरिंग से मतलब नहीं होता, वो सिर्फ केवल अपना पेट भरते हैं और खुश रहते हैं, राइट? तो यहाँ पे प्रिंस जब तक खुश था जब तक उसको सफरिंग्स नहीं मिली थी, जब तक उसने दुख नहीं देखा था, लोगों से वो मिला नहीं था, राइट? अपने पैलेस में ही रहता था। तो इस तरीके से आज जो सोसाइटी के ज़्यादातर जो लोग हैं, जो रिच कम्युनिटी है, वो अपने में मस्त है, अपने लग्जूरियस लाइफ में मस्त है और उसको और डेवलप करती जा रही है, उसका ध्यान बिल्कुल भी गरीबों पर नहीं है। तो ये जो हैप्पी है वर्ड यहाँ पर, वो आउटवर्डली हैप्पीनेस को दिखाता है, रियल हैप्पीनेस को नहीं दिखाता। यानी ये कमेंट है सोसाइटी के लोगों पर जो कि गरीबों से मुंह मोड़ के सिर्फ अपने में मगन रहते हैं। दूसरे तरीके से टाइटल जस्टिफिकेशन और भी निकाला जा सकता है, वो ये कि प्रिंस हैप्पी भले ही सब उसको हैप्पी बोलते हो, लेकिन वो अंदर से हैप्पी नहीं था, रियल हैप्पी नहीं था। वो हैप्पी तब हुआ जब उसको सोलो मिली और सोलो के हेल्प से उसने कई सारे लोगों की मदद करी। तो मदद करने के बाद उसने जो रियल हैप्पीनेस फील करी वो हैप्पीनेस से कंपेयर नहीं हो सकती जो वो पहले थी, राइट? सो रियल हैप्पीनेस किस चीज़ में रखी है? जेनरसिटी में रखी है, काइंडनेस में रखी है, पिटी में रखी है। लेट्स फाइनली कवर व्हाट टू व्हाट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस स्टोरी द हैप्पी प्रिंस। हाई अबव द सिटी, सिटी के काफ़ी ऊंचाई पर एक टॉल कॉलम के ऊपर, कॉलम कहते हैं खंबे को, खंबे के ऊपर हैप्पी प्रिंस का स्टेचू खड़ा हुआ था। ही वॉज गिल्डेड, गिल्डेड कहते हैं कवर्ड को, वो कवर्ड था फाइन गोल्ड की लीव से, यानी गोल्ड की पत्तियों से वो कवर्ड था। आंखों में उसके दो ब्राइट सैफायर्स यानी कि नीलम लगे हुए थे और उसकी तलवार के हिल्ट कहते हैं केस को जिसमें तलवार रखी जाती है, उसकी तलवार के हिल्ट पर एक रेड कलर का रूबी चमक रहा था। एक रात वहाँ एक छोटी सी सोलो का गुजर हुआ। उसके जो फ्रेंड्स थे, यानी सोलो के जो फ्रेंड्स थे, वो इजिप्ट जा चुके थे 6 हफ्ते पहले। बट ही हैड स्टेड बिहाइंड, लेकिन वो पीछे रह गई थी और उसने डिसाइड किया था कि वो भी इजिप्ट जाएगी। अब आप लोग को कन्फ्यूजन हो रहा हो कि मैम यहाँ पे ही लिखा है, हिज लिखा है सोलो के लिए, तो उसको आप फीमेल की तरीके से क्यों ट्रीट कर रही है? मेरा मन कर रहा है ऐसा करने के लिए, क्यों मन कर रहा है? क्योंकि लास्ट में आकर थोड़ा सा इन दोनों के बीच एक लव स्टोरी दिखाई जाती है कि दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो जाती है, क्योंकि हैप्पी प्रिंस तो मेल है तो जो बर्ड है उसको फीमेल होना चाहिए, राइट? अब मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने इसको हिज क्यों लिखा है, ही क्यों लिखा है, उनको शी लिखना चाहिए था। अगर मैं होती तो मैं इसको शी लिखती। तो फिलहाल मेरा मन कर रहा है मैं इसको शी ही बोलूँगी, ओके? तो आप समझ जाइएगा, लिखा आपका मन है, आप उसको ही करके ही बोलिए, लेकिन मेरा जो मन कर रहा है वो उसको शी ट्रीट करने का ही कर रहा है। लेट्स फर्दर अंडरस्टैंड। सारा दिन वो इधर उधर उड़ी और रात में आकर सिटी के पास पहुंची और उसने अपने से पूछा कि मुझे यहाँ पे कहाँ ठहरना चाहिए। वे शाल आई पुट अप, पुट अप का मतलब होता है स्टे, मुझे यहाँ कहाँ ठहरना चाहिए। आई होप द टाउन हैज मेड प्रिपेरेशंस, मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं तो मुझे यहाँ पे ठिकाना मिल जाएगा, इस टाउन में कहीं ना कहीं तो प्रिपेरेशंस होंगे, यानी ठिकाना मुझको मिल ही जाएगा। देन ही सॉ द स्टैचू ऑन द टॉल कॉलम, तब उसने टॉल कॉलम पर उस स्टैचू को देखा और वो खुद से चिल्ला के बोली, आई विल पुट अप देयर, मैं वहाँ रहने वाली हूँ, मुझे वहाँ रहना है। ये कैसी पोजीशन है, ये ऐसी जगह है जहाँ पे मुझे अच्छी हवा मिलेगी। सो ही अलाइटेड जस्ट बिटवीन द फीट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, इसलिए अलाइटेड मतलब होता है सेटल, उसने अपने को सेट किया हैप्पी प्रिंस के पैरों के बीच में। स्टेचू को चारों ओर देखने के बाद उसने धीरे से अपने से बोला कि मेरा बेडरूम तो गोल्डन है, और उसने सोने की तैयारी शुरू करी। जैसे ही वो अपना हेड अपने विंग में दबा के रख रही थी, ऐसे ही चिड़िया सोया करती हैं, तो उसने महसूस किया कि एक लार्ज ड्रॉप ऑफ वाटर, पानी का बूंद उसके ऊपर गिरा है। और वो बोली कि कितनी अजीब बात है, कितना क्यूरियस थिंग, मतलब कितनी अजीब बात है कि एक सिंगल क्लाउड भी नहीं है आसमान में, तारे बिल्कुल साफ दिख रहे हैं और ब्राइट हैं, बारिश हो रही है, ऐसे कैसे हो सकता है।
जब वो ये सोच रही थी तो दूसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। अब वो खिसिया के बोलती है खुद से कि क्या फ़ायदा इस स्टैचू के नीचे शेल्टर लेने का जब ये स्टैचू मुझको बारिश से प्रोटेक्ट ही नहीं कर सकता है। आई मस्ट लुक फॉर अ गुड चिमनी पॉट। और वो खुद से कहती है कि मुझे कहीं और जाना चाहिए, चिमनी पॉट में जाके ठहरना चाहिए, ये जगह मेरे लिए सही नहीं है। और वो पूरी तरीके से उड़ने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन इससे पहले वो अपने पंख खोल पाती है उड़ने के लिए, तीसरी ड्रॉप उसके ऊपर गिरती है। और इस बार जब वो ऊपर देखती है तो वो एक अजीब चीज देखती है। वो देखती है कि उस स्टैचू के आंखों में आंसू भरे हुए थे और वो आंसू उसके गोल्डन चीक्स पर गिर रहे थे। उस स्टैचू का फेस इतना खूबसूरत था चांद की रोशनी में कि लिटिल स्वालो को उस पर तरस आ गया। सोलो पूछती है तुम कौन हो? जवाब मिलता है मैं हैप्पी प्रिंस हूँ। सोलो अगेन पूछती है कि तुम रो क्यों रहे हो, तुमने तो मुझे पूरा भिगो के रख दिया। स्टैचू से जवाब मिलता है कि जब मैं जिंदा था और मेरा एक ह्यूमन हार्ट था, यानी वाकई मैं जब इंसान था, इंसान का दिल रखता था, तो मैं नहीं जानता था कि आंसू क्या होते हैं, क्योंकि मैं एक महल में रहता था, उस महल में कोई दुख का आना जाना ही नहीं था। माय कोर्टियर्स, मेरे जो दरबारी थे, मुझे हैप्पी प्रिंस कॉल किया करते थे और वाकई मैं खुश था भी। सो आई लिव, जिस तरीके से मैंने ज़िंदगी गुजारी वैसे ही मैं मर भी गया, यानी हंसते हंसते मैंने ज़िंदगी गुजारी और हंसते हंसते ही मैं मर गया। और अब जब मैं मर गया उन्होंने मुझे यहाँ सेट कर दिया इतनी ऊंचाई पर, लेकिन अब मैं इस जगह से इस शहर की सारी मिजरी, सारे अगलीनेस, सारे दुख दर्द को देख सकता हूँ। एंड दो माई हर्ट इज़ मेड ऑफ लेड, हालांकि मेरा जो दिल है वो लेड का बना हुआ है, वो गोल्ड का नहीं बना हुआ है, वो लेड का बना हुआ है, लेकिन फिर भी मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है सिवाय रोने के। हालांकि लेड कैसा होता है, लेड पिघलता नहीं है, यानी मैं भले ही दूसरों के दर्द को देख रहा हूँ, मेरा हर्ट पिघलना नहीं चाहिए क्योंकि मेरा हर्ट लेड का बना है, लेकिन फिर भी मुझे रोना आता है, मेरे रोने के सिवाय मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। जब ये सुनती है सोलो तो वो खुद से अपने मन ही में बोलती है व्हाट इज इट नॉट सॉलिड गोल्ड, यानी ये जो स्टैचू है पूरा गोल्ड का बना हुआ है, इसका दिल गोल्ड का नहीं है। लेकिन वो ये चीज़ बोल नहीं पाती हैप्पी प्रिंस से क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पोलाइट थी, इतनी पोलाइट थी कि वो ये एक पर्सनल क्वेश्चन पूछ ही नहीं पा रही थी, राइट? तो वो उसको बड़ा ताज्जुब होता है, अपने मन में ही पूछती है वो कि इसका दिल गोल्ड का नहीं है, यानी ये पूरा का पूरा गोल्ड का है और दिल गोल्ड का नहीं है। हैप्पी प्रिंस अपनी बात को कंटिन्यू रखता है और सोलो से बोलता है फार अवे इन अ लिटिल स्ट्रीट, यहाँ से दूर एक छोटी सी स्ट्रीट में एक पुअर हाउस है जिसकी एक खिड़की खुली हुई है और मुझे यहाँ से दिख रहा है कि उस घर में एक वुमेन है जो कि टेबल पर बैठी हुई है। हर फेस इज थिन एंड वॉन, थिन मतलब दुबला, यानी काफ़ी दुबली सी है, उसका फेस बड़ा पतला सा है, वॉन मतलब वेरी टायर्ड, बहुत थका हुआ चेहरा लग रहा है उसका। एंड शी इज कोर्स, कोर्स मतलब खुरदुरे से, रेड हैंड्स हैं उसके, ऑल प्रिक्ड बाय द नीडल, और उसके हाथ में कई सारे छेद हो रखे हैं सुई की वजह से। फॉर मतलब बिकॉज, क्योंकि शी इज अ सीमस्ट्रेस, क्योंकि वो एक सिलने वाली औरत है, वो कपड़े सिला करती है। वो एक सैटिन गाउन पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर रही है, सजा रही है, किसके लिए? क्वीन की जो लवली है, जो सबसे अच्छी मेड ऑफ ऑनर है, यानी सबसे अच्छी जो अटेंडेंट सर्वेंट है क्वीन की, उसके लिए गाउन तैयार कर रही है, उस पर फ्लावर्स लगा रही है। टू वियर एट द नेक्स्ट कोर्ट बॉल, कोर्ट बॉल का मतलब है यहाँ पे कोर्ट पार्टी, एक नेक्स्ट पार्टी है अगले दिन, उसमें उसको पहनना है, तो उसके लिए तैयार कर रही है। उसी रूम के कॉर्नर पर एक बेड पर उसका छोटा लड़का, उसका छोटा बेटा बीमार पड़ा हुआ है। उसके बच्चे को फीवर है और वो अपनी माँ से कुछ ऑरेंजेस मांग रहा है। उसकी माँ के पास देने के लिए कुछ भी नहीं है उसे सिवाय रिवर वाटर के, इसलिए वो रो रहा है। सोलो सोलो ड्रिल सोलो, क्या तुम ऐसा नहीं कर सकती कि मेरे स्वॉर्ड हिल्ट में जो रूबी लगा हुआ है वो ले जाके तुम उस औरत को दे दो? माय फीट आर फास्टेंड, फास्टेंड मतलब टाइट, मेरे जो पैर है वो बंधे हुए हैं इस पेडेस्टल पर, यानी जहाँ स्टैचू को रखा जाता है, जहाँ से बांधा जाता है, उसे पेडेस्टल कहते हैं, इसलिए मैं हिल नहीं सकता हूँ, मैं खुद ये काम नहीं कर सकता हूँ, तो प्लीज़ तुम मेरे लिए ये काम कर दो। सोलो जवाब देती है आई एम वेटेड फॉर इन इजिप्ट, मेरा तो इजिप्ट में इंतजार किया जा रहा है, मेरे फ्रेंड्स वहाँ पहुँच चुके हैं, नाइल रिवर के किनारे हैं और लार्ज लोटस फ्लावर्स के करीब वो हैं और वो लार्ज लोटस फ्लावर्स से बातें कर रहे हैं और जल्दी वो सो भी जाएंगे, यानी वो इतनी अच्छी जगह पहुँच चुके हैं, मुझे भी उन्हीं के पास जाना है। प्रिंस सोलो से कहता है कि प्लीज़ एक रात मेरे साथ रुक जाओ और मेरा मैसेंजर बन जाओ, यानी मेरा काम कर दो, ले जाके रूबी उस मदर को दे दो, वो लड़का बहुत प्यासा है और उसकी माँ बहुत दुखी है। सोलो जवाब देती है आई डोंट थिंक आई लाइक बॉयज, मुझे नहीं लगता है कि मुझे बॉयज पसंद है, मैं इजिप्ट जाना पसंद करूंगी, नहीं मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती, ये कहना चाह रही है वो। इस जवाब पर हैप्पी प्रिंस बहुत ज़्यादा दुखी लग रहा था कि लिटिल सोलो को शर्मिंदा होना पड़ा और उसने बोला बहुत ठंड है, लेकिन वो मान जाती है और रुक जाती है एक रात को रुकने के लिए और उसके मैसेंजर को बनने के लिए। उसके अग्री होने पर प्रिंस उसको थैंक यू बोलता है। सोलो ने प्रिंस के शॉट से वो रूबी बाहर निकाला और इस रूबी को अपनी चोंच में रखकर
छतों से गुजरते हुए छतों के ऊपर से होते हुए उड़ना स्टार्ट कर दिया और उड़ते हुए वो कैथेड्रल टावर से होते हुए गुजरी जहाँ पर वाइट मार्बल एंजल्स स्कल्पचर थे और इसके अलावा वो एक महल से गुजरी जहाँ पे डांस की आवाज़ आ रही थी और एक ब्यूटीफुल सी लड़की अपनी बालकनी में बाहर आई लवर के साथ अपने और उसने बोला कि मेरी ड्रेस शायद तैयार हो चुकी हो स्टेट पार्टी के लिए, मैंने ऑर्डर दिया था कि उस पर फ्लावर्स एम्ब्रॉयडर कर दे। सीमिस्ट्रेस तो बहुत लेजी होती हैं, यानी कि शायद अब तक तो मेरी ड्रेस तैयार हो ही चुकी होगी। इसके अलावा वो नदी के ऊपर से गुजरी और उसने देखा कि जो शिप्स के मास्ट हैं यानी कि पोल्स होते हैं, खंभे होते हैं, उस पर लैंटर्न यानी कि लालटेन लैम्प्स टंगे हुए थे और आखिरकार वो पुअर वोमेन के घर पहुंचती है और अंदर देखती है कि जो बॉय उसका जो बच्चा है वो बेड पर करवटें बदल रहा है, टॉसिंग मतलब करवटें बदल रहा है और जो माँ है वो सोई हुई है। सो इसलिए गई थी कि वो बहुत थक चुकी थी। अंदर वो हॉप करती यानी उछलती हुई आती है चिड़िया और वो रूबी रख देती है वोमेन के थिम्बल के बगल में और इसके बाद वो उड़ जाती है। लेकिन उड़ने से पहले वो बॉय के फोरहेड माथे के पास फैन करती है यानी हवा झलती है अपने विंग्स के जरिए। हवा लगने पर लड़का बोलता है मुझे कितना ठंड लग रहा है, मुझे कितना अच्छा फील हो रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है। एंड ही सैंक इनटू अ डिलीशियस स्लंबर, स्लंबर कहते हैं गहरी नींद, और इसके बाद वो गहरी नींद में डूब जाता है यानी सो जाता है। उसके बाद स्वालो वापस हैप्पी प्रिंस के पास उड़ती हुई आती है और बताती है कि उसने क्या किया और हैप्पी प्रिंस के पास आते ही स्वालो बोलती है कि इट इज़ क्यूरियस, बड़ी अजीब बात है कि मुझे इतनी गर्मी महसूस हो रही है, मैं गर्म फील कर रही हूँ हालांकि बहुत ज़्यादा सर्दी हो रखी है। इस पर हैप्पी प्रिंस ने जवाब दिया कि हाँ ऐसा इसलिए कि तुम एक अच्छा काम करके आ रही हो इसलिए तुम्हें सर्दी नहीं लग रही है बल्कि गर्मी फील हो रही है। और इसके बाद लिटिल स्वालो ने कुछ सोचना स्टार्ट कर दिया और सोचते सोचते वो सो गई और हमेशा सोचते सोचते सो जाया करती थी। डे ब्रेक होने पर भी दिन निकलने पर स्वालो चिड़िया उड़ती है और रिवर की तरफ जाती है और बात लेती है और वहाँ पे वो बोलती है कि आज मैं तो वापस इजिप्ट जा रही हूँ और उस वक्त हाई स्पिरिट्स में होती है यानी प्रॉस्पेक्ट मतलब होता है फ्यूचर पॉसिबिलिटी, ये सोचकर कि मैं आज इजिप्ट चली जाऊँगी, बहुत ज़्यादा वो एनर्जेटिक फील कर रही थी ये सोचकर। उसने सारे मोनूमेंट जो वहाँ पे मौजूद थे सब विज़िट किया और बहुत टाइम तक वो चर्च के स्टीपल कहते हैं टावर को जो कि चर्च के ऊपर होता है, चर्च के टावर पे वो बहुत काफ़ी समय तक बैठी रही। इसके बाद जब मून निकल आया यानी रात हो गई तो वापस हैप्पी प्रिंस की तरफ उड़ते हुए आई और उसने आते ही बोला हैव यू एनी कमीशंस फॉर इजिप्ट, तो मैं इजिप्ट को कुछ संदेश तो नहीं पहुँचाना है, कुछ मैसेज तो नहीं है, आई एम जस्ट स्टार्टिंग, मैं फ़ौरन निकलने वाली हूँ इजिप्ट के लिए। हैप्पी प्रिंस फिर स्वालो से कहता है कि क्या तुम एक रात और मेरे साथ नहीं रुक सकती हो। इस पर स्वालो जवाब देती है कि नहीं मेरा इंतज़ार किया जा रहा है इजिप्ट में। इस पर हैप्पी प्रिंस उसकी बात ना सुनकर अपनी बात कहने लगता है सिटी के उस पार मैं एक यंग मैन को देख रहा हूँ जो कि अपने गैरेट में मौजूद है और इस वक्त वो डेस्क पर झुका हुआ बैठा है, उसके डेस्क पर कई सारे पेपर्स रखे हुए हैं और उसके साइड में उसके बराबर में एक ग्लास में विदाउट वॉलेट्स कह रहे हैं प्लांट्स रखे हुए हैं जो कि मुरझा चुके हैं। उसके जो हेयर है वो ब्राउन और क्रिस्प है मतलब कड़े से बाल हैं उसके और उसके लिप्स बिल्कुल रेड है जैसे कि अनार होता है और उसकी आंखें इतनी बड़ी सी हैं और बहुत ड्रीमी आईज है उसकी। वो डायरेक्टर ऑफ थिएटर के लिए एक प्ले फिनिश करना चाहता है लेकिन बहुत ज़्यादा उसको ठंड लग रही है कि वो और ज़्यादा नहीं लिख सकता, उसकी ग्रेट में उसकी अंगीठी में आग खत्म हो चुकी है और भूख ने उसको बेहोश सा बना दिया है। सोलो बर्ड जिसके पास वाकई एक अच्छा दिल था उसने जवाब दिया कि मैं एक रात रुकने के लिए तैयार हूँ और उसने हैप्पी प्रिंस से पूछा कि क्या तुम्हारे पास दूसरा रूबी है जिसको ले जा के मैं प्लेराइट को दे दूं? हैप्पी प्रिंस जवाब देता है कि अफसोस मेरे पास अब रूबी तो नहीं बचा, जो कुछ है मेरी आंखें हैं और ये मेरी आंखें नीलम की बनी हुई है जो कि बहुत सालों पहले इंडिया लाया गया था, यानी बहुत स्पेशल नीलमों से मेरी आंखों को बनाया गया है। इसके बाद वो सोलो को ऑर्डर देता है कि तुम मेरी एक आंख को निकालो और उसको ले जाके प्लेराइट को दे दो, वो उसको जूलर को बेचकर कुछ फायरवुड खरीद लेगा और अपने प्ले को कंप्लीट कर लेगा। सोलो उस पर कहती है कि मैं ऐसा नहीं कर सकती हूँ, ऐसा कहकर वो रोना स्टार्ट कर देती है। हैप्पी प्रिंस सोलो से बोलता है कि जैसा मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो, इसलिए सोलो उसकी एक आंख को निकालती है और उड़ जाती है उस यंग मैन के गैरेट की तरफ। उस यंग मैन के गैरेट के अंदर जाना बहुत आसान था क्योंकि छत पर एक छेद बना हुआ था और उसी छेद के जरिए डार्टेड का मतलब होता है मूव्ड सडनली, वो अचानक से अंदर जाती है और उसके रूम तक पहुँच जाती है। द यंग मैन हैड हिज हेड बरीड इन हिज हैंड्स, यंग मैन ने अपना जो हेड था वो अपने हैंड्स पे दबा रखा था इसलिए उसको उसके फ्लटर की यानी पंख के फड़फड़ाने की आवाज़ नहीं सुनाई पड़ती है। और जब यंग प्लेराइट ऊपर की ओर देखता है तो देखता है कि एक ब्यूटीफुल सा सैफायर रखा हुआ है वॉलेट्स पर। वो यंग प्लेराइट बहुत खुश हो जाता है और कहता है कि लगता है कि मेरी तारीफ अभी से स्टार्ट हो गई, लोग मुझे बहुत पसंद करने लगे हैं और ये किसी मेरे फ़ैन की तरफ से ही मेरे पास आया है, अब मैं अपने प्ले को कम्प्लीट कर सकता हूँ।
नेक्स्ट डे सोलो हार्बर की तरफ उठती है. हार्बर कहते हैं ऐसा प्लेस जहाँ पर शिप्स को बांधा जाता है, राइट, टू प्रोटेक्ट फ्रॉम बैड वेदर. तो वहाँ पे वो उठती है और लार्ज वेसल का एक मास्ट था जिसको पोल कहते हैं, खंबे के ऊपर बैठ जाती है और वहाँ से वो देखने लगती है सारे सेलर्स को काम करते हुए. और वहाँ पे वो चिल्लाने लगती है कि मैं इजिप्ट जा रही हूँ, लेकिन कोई उसकी बात ही नहीं सुनता, कोई ध्यान नहीं देता. और जब चांद निकलता है, जब रात होती है, तो वापस वो हैप्पी प्रिंस की तरफ उठती है और उसको गुड बाय विश करती है. लेकिन अगेन प्रिंस उससे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ एक रात और नहीं रुक सकती हो. इस पर सोलो अगेन वही जवाब देती है कि मुझे इजिप्ट जाना है, यानी कहती है इट इज़ विंटर, सर्दी आ गई है, बहुत जल्दी बर्फ भी गिरने वाली है. इजिप्ट में देखो कितना अच्छा मौसम चल रहा है, सूरज भी गर्म है, वहाँ पे पाम ट्रीज़ हैं ग्रीन, और वहाँ पे जो क्रोकोडाइल्स हैं मड में लेटे हुए हैं और लेजिली उन पाम ट्रीज़ को देख रहे हैं. यानी कुल मिला के वहाँ का वो नज़ारा बता रही है कि वहाँ कितना अच्छा मौसम है और यहाँ पर बहुत ज़्यादा सर्दी है, मुझे इजिप्ट वापस जाना है. हैप्पी प्रिंस उसके इस बात को रिवर्ट नहीं करता और अपनी बात कहने लगता है कि नीचे चौराहे के पास एक छोटी सी मैच गर्ल है, यानी वो माचिस बेचती है, एक लड़की नीचे खड़ी होती है. आज उसने अपने माचिसों को गटर में गिरा दिया है और इस वजह से सारी माचिसें बर्बाद हो गई हैं, स्पॉइल हो गई हैं. उसके फादर उसको बहुत मारेंगे अगर वो घर पैसा लेके नहीं गई, इसलिए वो रो रही है. उस लड़की के पास ना जूते हैं ना मोजे हैं और उसका सर भी खुला हुआ है, यानी सर्दी से बचने के लिए उसके सर पर कैप भी नहीं लगी हुई है. मेरी दूसरी आँख को तोड़ लो और इसको ले जाके इस लड़की को दे दो, इस वजह से उसके फादर उसको मारेंगे नहीं. सोलो का दिल फिर पिघल जाता है और वो कहती है कि मैं एक रात रुकने को तैयार हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी आँख को नहीं निकालूंगी क्योंकि तुम अंधे हो जाओगे, क्योंकि एक आँख तो तुम पहले ही निकलवा चुके हो, अगर दूसरी आँख भी निकलवाओगे तो तुम अंधे हो जाओगे. लेकिन प्रिंस का वही जवाब था, डू एज आई कमांड यू, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करो. इसलिए सोलो ने उस प्रिंस की दूसरी आंख को निकाला और इसे लेकर डार्टेड डाउन, मतलब अचानक से वहां से गायब हो गई, यानी उड़ गई. ही सूप्ड पास द बैच गर्ल. सूप्ड कहते हैं अचानक से किसी के पास पहुंच जाना बिना वार्निंग दिए, राइट. तो अचानक से वो मैच गर्ल के पास पहुंचती है और उस जूल को, यानी कि उस सैफायर को, नीलम को स्लिप करती है उसके हथेली पर. लिटिल गर्ल उस सैफायर को देख कर कहती है कितना प्यारा बिट ऑफ ग्लास है ये, और ये कहकर हंसते हुए वो अपने घर वापस चली जाती है. सोलो हैप्पी प्रिंस के पास वापस आती है और कहती है कि तुम तो अब अंधे हो चुके हो, तो मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊँगी और तुम्हारे साथ ही रहूँगी. लेकिन पूर प्रिंस उसे कहता है कि नहीं लिटिल सोलो, तुम्हें वापस चले जाना चाहिए इजिप्ट. सोलो इंसिस्ट करती है कि नहीं, मुझे अब तुम्हारे साथ ही रहना है, और वो प्रिंस के फीट के पास सो जाती है. अगले दिन वो सोलो प्रिंस के शोल्डर पर बैठ जाती है और उसको कई सारी कहानियाँ सुनाती है डिफरेंट लैंड्स की, जो जो उसने देख रखी थी. कहानियों को सुनने के बाद प्रिंस सोलो से कहता है कि डियर लिटिल सोलो, तो मुझे मार्वलस, मतलब स्ट्रेंज, काफ़ी अजीब अजीब चीज़ें बता रही हो अलग अलग लैंड्स की, लेकिन मोर मार्वलस, सबसे अजीब चीज़ तो मुझे जो लगती है वो मेन एंड वीमेन की सफरिंग, उनके दुख दर्द ही उन मार्वलस लगते हैं. और मेरे हिसाब से कोई भी मिस्ट्री, कोई भी रहस्य इतना बड़ा नहीं हो सकता जितना कि मिजरी, यानी कि दुख दर्द होते हैं. तो मैं ऐसा करूँ, मेरी सिटी पे उड़ो लिटिल सोलो और मुझे बताओ कि तुमने वहाँ क्या देखा. इसलिए सोलो उड़ती है पूरे शहर में और देखती है कि अमीर लोग तो अपने घरों में खुशियां मना रहे हैं, और जबकि जो भिखारी हैं वो उनके गेट्स पर, उनके दरवाज़ों पर बैठे हुए हैं. ही फ्लू इनटू डार्क लेन्स. लेन्स कहते हैं नैरो रोड्स को, पतली सकरी सी गलियां जो होती हैं. वो वहां भी उड़ी और उन लेन्स में ब्लैक स्ट्रीट्स पर इधर उधर घूम रहे, लिस्टलेसली का मतलब होता है वेरी टायर्डली, बहुत थके हुए लग रहे थे कुछ बच्चे, जिनका फेस तो वाइट था और वो भूख से बेहाल थे. अंडर द आर्कवे ऑफ अ ब्रिज. आर्कवे कहते हैं ब्रिज जिस पर टिका होता है, ब्रिज बनाने के लिए कुछ पोर्शन बनाया जाता है साइड साइड, जिस पर ब्रिज टिका होता है उसे कहते हैं आर्कवे. तो ब्रिज के नीचे दो छोटे बॉयज लेटे हुए थे और एक दूसरे को वो हक करे हुए लेटे थे, इस तरीके से जैसे वो एक दूसरे को सर्दी से प्रोटेक्ट कर रहे हों, क्योंकि उनके पास स्वेटर्स वगैरह नहीं थे और वो आपस में कह रहे थे कि हाउ हंग्री वी आर, हम कितने भूखे हैं. लेकिन वॉचमैन उन पर चिल्लाता है यू मस्ट नॉट लाई हियर, तुम्हें यहाँ नहीं लेटना चाहिए, जाओ यहाँ से. और वे लोग बेचारे बाहर बारिश में भीगते हुए इधर उधर घूमने लगते हैं. ये सब देखने के बाद सोलो वापस प्रिंस के पास आती है और बताती है कि उसने क्या देखा. प्रिंस को सुनकर बहुत दुख लगता है और वो सोलो से कहता है कि मैं गोल्ड से कवर हूँ, तुम ऐसा करो एक एक परत इस गोल्ड की मेरे बॉडी से हटा दो और ले जाकर इन गरीबों को दे दो. द लिविंग मतलब ह्यूमन बींग्स, इंसानों को यही लगता है कि ये जो गोल्ड है इससे इंसान खुश रह सकता है, यानी मेरे ऊपर गोल्ड चढ़ा हुआ है तो मैं हैप्पी प्रिंस हूँ, तो तुम ये गोल्ड ले जाकर उन लोगों को दे दो. तो इस लाइन से, द लिविंग ऑलवेज थिंक से, मिस्टर ऑस्कर वाइल्ड ने कमेंट किया जो मैं आपको पहले ही समझा चुकी हूँ टाइटल एनालिसिस में. प्रिंस के कहने पर सोलो ने यही किया, परत दर परत लीफ टू लीफ सारे उसका गोल्ड जितना चढ़ा हुआ था उसकी बॉडी पर सब हटा दिया और अब उसका जो स्टैचू था बहुत ही डल, बहुत ग्रे, बहुत ही अगली लग रहा था.
और ले जाकर वो सारा सोना गरीबों को दे दिया, जिससे बच्चों के जो चेहरे थे फिर से रोज़े और फिर से खिल गए, क्योंकि अभी मुरझा रहे थे भूख के मारे, अब उनके चेहरे खिल चुके थे और वो हंस रहे थे, खेल रहे थे सड़कों पर, और वो कह रहे थे कि अब हमारे पास खाने को रोटी है। सर्दी बहुत बढ़ रही थी, बर्फ़ गिर रही थी, और बर्फ़ गिरते गिरते फ्रॉस्ट की कंडीशन आ गई, यानी 0 डिग्री सेल्सियस के नीचे टेम्परेचर पहुँच चुका था, यानी सड़कों पर बर्फ जम गई थी और सड़कें ऐसी लग रही थी जैसे मानो वो सिल्वर की बनी हो, यानी बर्फ़ चमक रही थी हर जगह। हर कोई फर्श में निकल रहा था बाहर, यानी कि स्वेटर्स पहना हुआ था, और छोटे जो बॉयज़ थे वो स्कारलेट कैप्स लगाए हुए थे और आइस में स्केटिंग कर रहे थे। पुअर लिटिल सोलो के लिए सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी, लेकिन तब भी उसने प्रिंस का साथ नहीं छोड़ा, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। उसने बेकर के दरवाजे के बाहर से कुछ क्रम्स वहाँ से उठाए, क्रम्स कहते हैं पीस ऑफ ब्रेड को, और उसे खाया। जब बेकर नहीं देख रहा था तब उसने ये काम किया, और इसके बाद वह अपने विंग्स को फड़फड़ाने लगी, फ्लैप करने लगी, ताकि अपने को वो वार्म रख पाए। लेकिन आखिरकार उसको पता था कि वो मरने वाली थी, क्योंकि इतनी सर्दी उसे बर्दाश्त नहीं हो रही थी। उसके पास इतनी ताकत अभी बची थी कि वो प्रिंस के शोल्डर पर बैठने के लिए एक बार उड़ सकती थी, तो वो जाती है प्रिंस के शोल्डर पर बैठती है और उसको गुड बाय बोलती है, और मरमट बहुत धीरे आवाज़ में उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे अपना हैंड किस करने दोगे। प्रिंस को लगता है कि सोलो अब इजिप्ट वापस जा रही है, तो वो बोलता है कि मुझे खुशी है कि तुम इजिप्ट वापस जा रही हो लिटिल सोलो, तुम यहाँ इतना टाइम तक रुकी मेरे लिए, तुम्हें मेरे हैंड पर नहीं बल्कि मेरे लिप्स पर किस करना चाहिए, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। सोलो ने जवाब दिया कि मैं इजिप्ट नहीं जा रही हूँ, मैं मरने जा रही हूँ, और डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप, और डेथ स्लीप का ही तो ब्रदर है, यानी मैं सोने के लिए जा रही हूँ। इज ही नॉट, क्या ऐसा नहीं है कि डेथ इज़ द ब्रदर ऑफ स्लीप। और इसके बाद वो हैप्पी प्रिंस के लिप्स पर किस करती है, और किस करते ही उसके फीट पर गिर जाती है और मर जाती है। ठीक उसी मोमेंट एक अजीब सी क्रैक की आवाज़ आती है स्टैचू के अंदर से, जैसे कुछ टूट सा गया हो। सच तो ये है कि जो लेडन हर्ट, जो लेड का बना हुआ हर्ट था, वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गया था। वाकई ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही थी। अगले ही सुबह मेयर अपने टाउन काउंसलर्स के साथ उस चौराहे से गुजर रहा था, और जैसे ही वो उस कॉलम के पास से गुजरा जहाँ पे स्टैचू लगा हुआ था, उस स्टैचू को देखते ही बोला, डियर मी हाउ शैबी द हैप्पी प्रिंस लुक्स। डियर मी एक एक्सप्रेशन होता है जब हम बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं कोई चीज़ देखकर। वो चौंक जाता है कि हैप्पी प्रिंस कितना अच्छा लगता था और अब कितना शैबी, यानी कितना गंदा, कितना अगली लग रहा है। इस पर टाउन काउंसलर, जो कि मेयर के साथ थे, जो हमेशा उसकी हाँ में हाँ मिलाते थे, वो भी जवाब देते हैं हाउ शैबी, वाकई बहुत गंदा लग रहा है, और ये कहते ही उस स्टैचू को देखने लगते हैं। इसके बाद मेयर बोलता है कि इसके तलवार से रूबी गिर चुका है, उसकी आंखें भी नहीं रही, और ये अब गोल्डन भी नहीं रहा, असल में ये एक भिखारी से कुछ ही ठीक लग रहा है। इस पर टाउन काउंसलर, जो कि हाँ में हाँ मिलाते थे, वो भी बोलने लगे लिटिल बेटर दैन अ बेगर, कि हाँ वाकई ये एक भिखारी से थोड़ा बेहतर ही लग रहा है। इसके बाद मेयर कहता है कि देखो तो ज़रा, इसके पैर के पास एक चिड़िया भी मरी पड़ी है। और मेयर कहता है कि हमें यहाँ पर एक बोर्ड लगा देना चाहिए, ऐलान कर देना चाहिए कि यहाँ पर बर्ड्स को मरना अलाउ नहीं है। टाउन क्लर्क, जो कि साथ में था, मेयर के इस बात को सजेशन के तरीके से नोट कर लेता है, ताकि वो उसको फॉलो करवा सके। उस शहर की यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने बोला कि इस स्टैचू में कोई सुंदरता नहीं रह गई, ये अब सुंदर नहीं रह गया है, इस वजह से उन लोगों ने उस स्टैचू को वहाँ से हटा दिया। और तब उन लोगों ने उस स्टैचू को फर्नेस में एक भट्टी में मेल्ट करना स्टार्ट किया। सेट द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री कहते हैं ऐसी जगह जहाँ पर मेटल्स को मेल्ट करके दूसरे ऑब्जेक्ट्स बनाए जाते हैं, और ओवरसीयर कहते हैं इंचार्ज को, यानी उस फाउंड्री का जो इंचार्ज था, उसने एक अजीब सी चीज़ देखी और बोला, कितनी अजीब बात है, ये जो लेड हार्ट है ये ब्रेक तो हो गया है, टूट तो गया है, लेकिन ये मेल्ट नहीं हो रहा है, इसलिए हमें इसे भी फेंक देना चाहिए, क्योंकि ये किसी काम का नहीं है। इसलिए उन लोगों ने इस लेडन हॉट को डस्ट हीप, एक कूड़े के ढेर में फेंक दिया, जहाँ पे डेड सोलो भी पड़ी हुई थी। इसके बाद गॉड ने अपने फरिश्तों में से किसी एक से बोला कि ब्रिंग मी द 2 मोस्ट प्रीशियस थिंग्स इन द सिटी, इस सिटी में जो सबसे 2 अनमोल चीज़ें हैं वो मेरे पास लेके आओ। तो फरिश्ते ने ले जाकर उस लेडन हॉट को और डेड बर्ड को, यानी सोलो बर्ड को ले जा के गॉड को दिया। फॉर इन माई गार्डन ऑफ पैराडाइज, पैराडाइज कहते हैं जन्नत को, मेरे जन्नत का जो ये गार्डन है ना, इसमें ये छोटी चिड़िया हमेशा मेरे लिए गाएगी, मुझे सॉन्ग्स सुनाएगी, और ये हैप्पी प्रिंस जिसका लेडन हार्ट तुम लेके आयो, ये मेरी तारीफ करेगा, मेरी तस्बीह करेगा। वीडियो यूजफुल लगी हो तो कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताइए। सब्सक्राइब फॉर सच मोर लेसन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।